गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आवर टूडेज टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट सिक्स पोएम क्लास डिस्कशन सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन इज वट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास वट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास क्लास में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी आंसर क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास कक्षा में जो है वो क्लास डिस्कशन एक क्लास कक्ष जो वार्ता है या वार्तालाप है वो चल रहा था क्वेश्चन नंबर टू हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास क्लास में कौन ऐसा विद्यार्थी था जो शांत था चुप था हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास कक्षा में कौन विद्यार्थी शांत बैठा था आंसर जेन वाज क्वाइट वन इन द क्लास जो जेन है जेन नाम की विद्यार्थी है वो कक्षा में एकदम से शांत बैठी थी क्वेश्चन नंबर थ्री वाई वाज शी क्वाइट वो शांत क्यों थी चुप क्यों थी आंसर शी वाज क्वाइट बाय नेचर शी वाज क्वाइट बाय नेचर वो अपने स्वभाव से अपने प्रकृति से ही शांत थी ठीक है वो शांत स्वभाव की थी ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट ठीक है आप जो कक्षा में जो इंट्रैक्शन होता है जो डिस्कशन होता है जो वार्तालाप होती है जो वाद विवाद होता है उसमें उसके दौरान आपका जो है क्या आपका उसमें व्यवहार रहता है आपका जो उसमें रिएक्शन है वो क्या रहता है डू यू पार्टिसिपेट क्या आप उसमें भागीदारी करते हैं या रिमेन क्वाइट या शांत रहते हैं आंसर आई पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन इन अ हेल्दी मैनर और इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर मैं कक्षा में होने वाली गतिविधि में एक हेल्दी मैनर में एक स्वस्थ रूप से उसमें मैं भाग लेता हूँ ठीक है या उसमें सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका में अदा करता हूँ ठीक है आई लिसन अदर्स वेरी केयरफुली एंड देन स्पीक बोल्डली एंड पॉजिटिवली ठीक है मैं दूसरों को बड़े ध्यान से केयरफुली मैंने बड़े ध्यान से उनको मैं सुनता हूँ एंड देन स्पीक और उसके बाद बोलता हूँ बोल्डली एंड पॉजिटिवली उसके बाद में अपने विचार अपनी ओपिनियन में बड़े अच्छे से बड़े एक अच्छे मैनर में और अच्छे तरीके से पॉजिटिवली अच्छे ढंग से मैं प्रस्तुत करता हूँ रखता हूँ सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ राइट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी एंड लर्न दीज ओके थैंक यू